नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे हर रोज की तरह निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे यहाँ पे कि कल के लिए हमारे पास कैसे सिग्नल है, कल से नई सीरीज की शुरुआत होगी और आज जो 135 पॉइंट की गिरावट आई है, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कल क्या फर्दर यहाँ पे मार्केट में सेल ऑफ आएगा या फिर बाउंस बैक आएगा। इस सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अवॉइड करिएगा आज का दिन, क्योंकि एक्सपायरी का दिन होता है और नॉर्मली एक्सपायरी के दिन में उल्टा सीधा होना तय होता है और वैसा ही आज होता हुआ दिखाई दिया। 10,800 ज़्यादातर लोग सपोर्ट की तरह यूज कर रहे थे, बट चलते हैं यहाँ पे जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि कल क्या हमारे लिए ट्रेडिंग सेशन है या नहीं है और कल जो नई सीरीज का डाटा बना है वो कैसा बना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, कल जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने जो बोला था उसमें कि आज के लिए अवॉइड करिए ट्रेडिंग, वो सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि जो कल का डाटा था वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था और जो रेंज आ रही थी वो बहुत छोटी आ रही थी, तो उस रेंज के अंदर मार्केट ने बिहेव नहीं किया, उस रेंज से बाहर निकल के आज 135 पॉइंट गिरा। यही होता है एक्सपायरी के दिन, कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है। ज़्यादातर तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे कि बाउंस बैक आएगा, बट वो बाउंस बैक नहीं आया, मार्केट ने फॉल बैक दिखाया। और यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट भी पढ़े थे जिसमें लोगों ने पता नहीं 600-600 क्वांटिटी कॉल लेके बैठे हुए थे 10,850 की, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि मार्केट को प्रिडिक्ट करने से अच्छा ये है कि आप मार्केट को थोड़ा सा जज करें और वहाँ पे देखें कि क्या मेरे लिए अगला दिन ट्रेडिंग वाला है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आप अवॉइड करिए उस ट्रेडिंग का। यही चीज़ मैंने आपको कल बोली थी, क्योंकि कल मेरे को एक जो डाटा देख के यह लग रहा था कि मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, बट आज लाइव मार्केट में कुछ और ही हुआ। तो ये चीज़ होता है कि जब कंसोलिडेशन का आपको जजमेंट मिलता है तो आप उस दिन ट्रेडिंग अवॉइड करिए, क्योंकि उसके बाहर निकलेगा तो एक बड़ा सा एक्शन आ सकता है। तो वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया एक्सपायरी के दिन में। आज पुट राइटर्स को बैकफुट पर ले गए यहाँ पे कॉल राइटर्स, और जिस तरीके से कल कॉल राइटिंग हो रखी थी वो एक जता रही थी कि जाहिर सी बात है कि 10,800 इतने दिल से होल्ड कर रहा था उसको ब्रेक डाउन करने में यहाँ पे आज पूरा पूरी मदद मिली। यहाँ पे कॉल राइटर्स ने पूरा मार्केट को नीचे धकेला था। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो कल का जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसकी एक्सपायरी 26 सितंबर को होगी, उसमें कैसा डाटा बना है। तो सबसे पहले क्लोजिंग की बात करते हैं। क्लोजिंग कहाँ पे आई है, 10,704 की क्लोजिंग आई है। कल का दिन हमारे लिए ट्रेडिंग का दिन है कायदे से, क्योंकि आज जो गिरावट आई है उसमें ये फर्दर गिरावट आ सकती है जिसमें कि निफ्टी 10,650 के पास तक जा सकता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल हमें क्या मिलना चाहिए, तो देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले बात करते हैं 10,800, 10,900 और 11,000 की। तो 10,800 पे क्या हो रखा है, देखिए 10,800 में कि जो पुट है यहाँ पे आपको दिख रहा है करीब 34,93,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहाँ पे 10,800 की जो पुट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 10,800 की पुट पे, बट 10,800 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 28,91,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जिसमें 19,51,000 का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन ऐड होता हुआ दिखाई दिया है, बट अभी भी पुट पे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर मैं 10,700 की बात करता हूँ तो 10,700 पे आप देख सकते हैं पुट पे कितना है, 18,97,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। वहीं अगर 10,700 की कॉल की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 12,00,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। 10,600 की बात करते हैं तो 10,600 पे आपको दिख रहा है करीब 33,82,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और 10,600 की जो कॉल है वहाँ पे 2,73,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 11,000 की बात करते हैं तो 11,000 पे अगर पुट की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना है, 22,33,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और 11,000 की जो कॉल है वहाँ पे 44,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अब सिंपल सी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे क्लियर कट दिख रही है कि जो 10,800 का जो डाटा है ना वो बहुत अच्छा डाटा है पुट का, जो कि करीब 34,00,000 ऑलमोस्ट 35,00,000 का है डाटा, और 10,600 की जो पुट है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा डाटा है जो कि करीब ऑलमोस्ट 34,00,000 का है। इसका मतलब क्या है, देखिए 10,700 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, ठीक है 10,700 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली जो निफ्टी का 52 वीक था वो करीब 10,650 के आसपास है। अब मार्केट क्या करेगा, एक नया 52 वीक लो बनाएगा, वहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, ये चीज़ तय हो रही है धीरे धीरे।
आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में फोकस ये रखना है, कल ट्रेडिंग सेशन हो या मंडे का ट्रेडिंग सेशन हो, इन दोनों दिन में एक बाउंस बैक आ सकता है, क्लियर कट आ सकता है। यहाँ पे अब क्लियरली ये चीज दिख रही है, वो चीज कैसे दिख रही है, अब ये बाउंस बैक आएगा कैसे, बाउंस बैक ऐसे आएगा कि सुबह सुबह अगर मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिलता है और निफ्टी करीब 10,640 10,650 के नीचे आपको मिलता है, तो आप एक कॉल लेके बैठ जाइए और इस कॉल को आप होल्ड भी कर सकते हैं। 10,700 की कॉल ले सकते हैं, आप 10,800 की कॉल ले सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल हो। और उसका जो स्टॉप लॉस होगा, अगर निफ्टी 10,600 को तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगता है तो आप उसमें अपना लॉस बुक कर लीजिएगा। ये ट्रेडिंग आइडिया मेरी तरफ से है इस पर्टिकुलर कल के दिन या फिर मंडे का दिन, मतलब आपको ये याद रखना है। हो सकता है ये कल होता हुआ दिखाई दे आपको, सुबह सुबह अगर सेल ऑफ आता है, सुबह सुबह निफ्टी गिरता है 50, 60, 70 पॉइंट गिरता है, जैसे कि 10,650 की मैंने बात करी तो 50 पॉइंट है, तो हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तो वहाँ पे जाके आपको एक बार कॉल लेके काम करना है, पुट लेके काम नहीं करना है। और बाउंस बैक आएगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई देगा और इस पर्टिकुलर कॉल को आप होल्ड भी कर सकते हैं, 10,700 किलो चाहे 10,800 किलो, क्योंकि अभी सीरीज एक्सपायर होने में टाइम है। क्लियर कट समझ में आ गया दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे कल के जजमेंट में दी है। अगर कल एक गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो वेट करिएगा उस गैप अप ओपनिंग को डायल्यूट होने का, या फिर आप शॉर्ट कर लीजिएगा वहाँ पे, ये देख लीजिएगा। बट मेरा जो व्यू है वो कॉल साइड पे है, तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो वो डाइल्यूशन हो जाता है, पहले वो डाइल्यूट हो जाए पूरी, फिर मार्केट में जब रिकवरी आना चालू है तब आप एक कॉल लेके काम करिएगा। काम आपको लॉन्ग साइड पे करना है अब इस कंडीशन में आगे। और जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 10,650 का, यानी वो टूटता है एक नया 52 वीक जैसे लो बनता है निफ्टी का, वहाँ से एक बाउंस बैक आने के चांसेस पूरे पूरे बने रहेंगे। यहाँ पे इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो यहाँ पे 26,700 ऑलमोस्ट 757 पे क्लोज हुआ है, करीब देखा जाए तो कल के लेवल से ऑलमोस्ट 350 पॉइंट नीचे गिरा है। ठीक है, 27,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिख रहा था बट वो बैंक निफ्टी ने तोड़ा और उसके नीचे जाके क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि नई सीरीज के लिए कैसा डाटा बना है। सबसे पहले बात करते हैं 27,000 की पुट की। देखिए 27,000 की पुट है, यहाँ पे 6,30,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। सिंपल सी चीज़ है, 27,000 की कॉल पे करीब 6,00,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी खड़ा है, इक्वली ओपन इंटरेस्ट है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की ये है कि जो 26,500 की जो पुट है वहाँ पे आपको दिख रहा है करीब 3,31,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और 26,500 की जो कॉल है वहाँ पे कितना है 51,300 का। 26,600 26,700 पे कोई कॉल राइटर नहीं है, तो क्लियर कट यहाँ पे भी आपको वही सेम चीज़ सिग्नल मिल रहा है। आपको करना क्या है, वेट करिएगा, कोई भी डिप आती है उस डिप का यूज़ आपको कॉल लेने में करना है, यानी लॉन्ग साइड पे करना है। और ये डिप मॉर्निंग में आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मॉर्निंग में अगर आएगी तो एक पैनिक बनेगा, पैनिक बनने के बाद रिकवरी बहुत अच्छी आती है, उस रिकवरी को आपको बेनिफिट लेना है। उस रिकवरी में जो निफ्टी बैंक निफ्टी जा सकता है वो आपका 27,000 को पार करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपको क्या करना है कि 26,600 के नीचे अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है, क्योंकि सुबह सुबह इतना गिर सकता है, तो आप एक कॉल ले लीजिए और उस कॉल को आप होल्ड भी कर सकते हैं, इंट्राडे कैच सा है आप उसको होल्ड कर सकते हैं। ये चीज़ है, उसका स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया कि निफ्टी की क्लोजिंग अगर 10,600 के नीचे आती है और निफ्टी नहीं आपको रिकवरी दिखा रहा है तो आप उसका बिल्कुल आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लगा चलना चाहें तो 50% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि हाँ 50% रोट हो जाए, डाइल्यूशन हो जाए वैल्यू का, तो आप उसमें से एग्जिट हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में यूज़ करनी है, जो कि कल का हो सकता है या फिर मंडे का हो सकता है, यानी बाउंस बैक आ सकता है। कल आएगा या मंडे को आएगा ये नहीं मुझे पता, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में हर चीज़ जज नहीं करी जा सकती। बट जो बाउंस बैक का जो तरीका होगा वो आपको इसी तरीके का दिखाई देगा यहाँ पे, कि पहले सेल ऑफ आएगा, एक नया 52 वीक बनेगा, वहाँ से दोबारा से रिकवरी आएगी, ऐसा मार्केट में होता हुआ दिखाई देगा आपको, और इसी तरीके से आपको मार्केट को जज करना है। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।